I am Dr. Hemant Kumar. I am Additional Director in the Department of Minimal Access, GI and Bariatric Surgery, Fortis Hospital, Vasant Kunj. आज हम यहाँ इस फोरम में हर्निया के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट या पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, हर्निया क्या है? What is hernia? Hernia is basically a defect in the abdominal muscle wall, जहाँ से आपकी इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है, जिसकी बदौलत आपको पेन, स्वेलिंग और समटाइम्स कॉम्प्लिकेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या गैंग्रीन ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाती हैं, जिसकी बदौलत आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है. वैसे हर्निया ऑलमोस्ट ऑलवेज इज एन इलेक्टिव सर्जरी, यानी अगर आपको हर्निया है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, किसी दवाई किसी मेडिसिन से ये ठीक होने वाला नहीं है. बट किसको सर्जरी करना है, किसको नहीं सर्जरी करना है, क्या सर्जरी सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब सर्जरी करना है, ये डिसाइड करेंगे सर्जन. तो आप जब हमारे पास आओगे, पहले हम उसकी जांच करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है ये और कितनी जल्दी इसकी सर्जरी होनी चाहिए, इलेक्टिव में होनी चाहिए या इमरजेंसी में होनी चाहिए. अगर आपके एब्डोमिनल वॉल में कहीं कोई स्वेलिंग सूजन है जो अपने आप रिड्यूस होता है या आपके लेटने से रिड्यूस होता है और इसमें दर्द है तो आप हमें दिखाने आ जाइएगा, और इसके बाद हम जब देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर हम आगे की प्लानिंग इसमें कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो स्वेलिंग नीचे नहीं जाता है तो हमें जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करनी होती है, वरना और कई कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ जुड़े हैं जिसकी बदौलत आपकी हॉस्पिटल में स्टे बढ़ेगी, आईसीयू जाना पड़ेगा, आपकी सर्जरी हाई रिस्क हो सकता है. इसी कारण हमें ये सर्जरी तुरंत जितनी जल्दी हो सके करना पड़ेगा. तो आजकल लैप्रोस्कोपी का ज़माना है तो सर्जरी बिल्कुल छोटे छोटे छेदों से किया जाता है, इसमें ना ही कोई ज़्यादा दर्द है और रिकवरी पीरियड तो बिल्कुल एक या दो दिन में ही हो जाता है. इसकी बदौलत आदमी अपने काम पे भी बहुत जल्दी चला जा सकता है. थोड़ा बहुत दर्द रहता है, थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, बट ऐसा नहीं है कि आदमी को पूरी तरीके से इनकैपेसिटेट कर लें. तो इसमें जो हम सर्जरी करते हैं, छोटे छोटे छेदों से इनिशियली सर्जरी करके जो डिफेक्ट है उसको हम बंद कर देते हैं और उसके बाद वहां पर जाली लगाते हैं. ये जाली वन ऑफ द बेस्ट होता है, किसी कारणवश ये इंटेस्टाइन या आपके पेट में रिएक्शन नहीं करता है और आगे जाके भी आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. रिकवरी पीरियड कम से कम 2 या 3 दिन का रहता है, इसमें लोग चल पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, इवन अपनी ड्राइविंग भी कर सकते हैं. अगर कोई एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है वो है मेजर स्ट्रेनियस एक्टिविटी, जैसे कि मैराथन दौड़, वेट लिफ्टिंग, बाकी का रोज आपका बैग लेके जाना, टिफिन लेके जाना, आपकी छोटी मोटी चीज़ें लेके जाना, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है रिकवरी पीरियड, और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद आप बिल्कुल अपना टेनिस खेलना है, आपको मैराथन दौड़ दौड़ना है, ये सब आप आराम से कर पाते हो, स्लोली ग्रेडेड बट सब कुछ हो सकता है. इसलिए जब भी आपको ऐसी कोई सिम्टम लगे तो आप तुरंत आके हमें दिखा दीजिएगा और इससे हम आगे का प्लान वर्कअप कर सकते हैं.